सब्सक्राइबर तो कंप्लीट है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। तैयारी सर? जा रहे हैं श्रीनगर बागवान। किस काम से? काम से जा रहे हैं मैडम, हमने जो प्रोजेक्ट था उस मैटर से जा रहे थे, तो जो जमीन का सौदा था वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? छे इतना क्या लगा रहे हो, उसे बाहर में लगाओ। छी, अपने साथ ही रखा करो तुम। चलो ठीक है तब, बाय बाय। ये रुमाल धोने वाला कहाँ रखूँ? अब जो मैंने नया दिया तुमको, मशीन के अंदर डाल दो ना, मशीन के अंदर डाल दो। छी, पूरी बदबू डाल दिया। उफ, छी 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 छी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी जो है आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे। शादी वादी सब निपट गया है और मेहमान जो है लगभग चले ही गए हैं। तो नानी हमारे साथ आई थी गांव से शादी के लिए, और जो है नानी भी आज जा रही है। तो हम तो इतना फोर्स कर रहे हैं नानी को कि रुक रुक रुक, पर रुक ही नहीं रही। और नानी कड़ा था हमारे यहाँ आई थी, नानी का चश्मा यहीं छूट गया, उसको देने भी चलते हैं और जो है नानी से भी मिलते हैं। और आज जो है सोना की तबीयत भी ख़राब है, क्योंकि इतने दिन से जो है पचीट लग गया शादी का, फिर गांव भी गए, गर्मी जैसे हो गई पेट में। तो चलो चलते हैं। चल बुढ़ी बाय बाय है, झटपट है आपको। हेलो हेलो, अरे ये फोन हेलो। तो दोस्तों फाइनली जो है शादी वगैरह भी निपट गई और मेहमान वगैरह भी लगभग चले गए हैं अपने घर। और जो है काफ़ी टाइम से इतना ज़्यादा इतनी एक्साइटमेंट थी ना शादी की, कि शादी है शादी है शादी है, शॉपिंग करनी है, ये लाना है वो लाना है, ऐसा वैसा। तो एक दिन के लिए इतना कुछ होता है और अब शादी निपट गई। और बच्चों के स्कूल का ना 19 तारीख से लगा लो, 19 तारीख से हम लोग छुट्टी ले रखी स्कूल से, और पूरा 22, 23, 24 तारीख तक इतनी ज़्यादा छुट्टी हो गई। 2 दिन की तो खैर बीच में थी वैसे भी, संडे और सैटरडे की, और बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई बच्चों की। और जैसे गांव गए हम 2 राउंड कंटिन्यू इस हफ्ते गए गांव, एक दिन तो मंदिर में गए, एक दिन फिर बारात में गए। और इतना अच्छा लग रहा था ना गाँव जाके, अब ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम ना ऐसा होता है ना कि फिर रूटीन वही आ जाता है हमारा, सुबह स्कूल, फिर स्कूल से बच्चे घर आते हैं, खाना पकाओ, ये करो करो, पूरा एक ही रूटीन रहता है। और जब बाहर घूमने घूमने जाओ तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि चेंज हो जाता है। तो अब का क्या है कि शादी तो निपट गई, बट काम इतना ज़्यादा, कपड़े वगैरह हो गए हैं धुलने के लिए बहुत ज़्यादा, हल्दी की साड़ी, बारात वाली साड़ी, और मेरी वाली आँख भी फड़क रही पानी की, तो इतने सारे कपड़े हैं पहले वो करने हैं क्लियर। और यहाँ पीछे पे जो देखिए सकते हैं ना अलमारी, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लगाई, यहीं पर ही रखा मैंने इसको, और क्या कहते हैं उसका नाम, कपड़े वगैरह क्लियर कर लेती हूँ। अब बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं, कपड़े वगैरह सब जो है धुल धाल के सारा कर देते हैं सेट। और अब है 18 मई से है बच्चों के फर्स्ट यूनिट टेस्ट, और फर्स्ट यूनिट टेस्ट है 18 मई से, उसके बाद 24 तक इनकी वो है, 24 तक है, 25 से छुट्टी पड़ जाएगी। वैसे इनकी 15 तारीख से पड़ती थी, बट इस बार पता नहीं क्यों 24 है। तो चलो मैं पहले ये घर का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को, और उसके बाद करते आगे ब्लॉग। तो दोस्तों अभी जो है बस नहा धोकर आए हैं पार्लर में, और घर का काम सारा निपटा दिया है, कपड़े वगैरह जो भी थे शादी ब्याह के सब धो दिए हैं। और अभी है मेरे साथ यहाँ पर कविता, क्योंकि कविता को भी ले गई थी मैं बारात में, क्योंकि ना जैसा हम गढ़वाली हैं तो कविता और देश, तुम देसी हो ना, देसी हैं, तो इनके जो गाँव होते हैं ना वो होते हैं पूरे प्लेन वाले गाँव, चढ़ाई नहीं होती। तो इसने कभी हिल्स नहीं देखा था, यहाँ तक इसने ऋषिकेश से ऊपर नहीं देखा था ना, है ना, ऋषिकेश से ऊपर नहीं देखा था ना। तो मैंने कहा कि मैं कभी गई नहीं, तो मैंने सोचा कि कविता को जो है मैं पहाड़ घुमा के लाती हूँ। तो शादी का टाइम था, मौका भी था, और जो है माहौल भी था, तो कविता को घुमाए। अब कविता बताएगी कि कविता को कैसा लगा, सच्ची सच्ची बताएगी कविता। अच्छा भी लगा, ठीक भी लगा। अच्छा भी मतलब ठीक भी मतलब अच्छा भी लगा और बेकार भी लगा। अच्छा किस चीज के लिए लगा? देखने के लिए मतलब पहाड़। और बेकार क्यों लगा? पहाड़ इसलिए बेकार इसलिए लगा क्योंकि वहाँ चलने के लिए बहुत बहुत ढलान है, इस वजह से इसको ऐसा लगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ बारात गई पूरा ऐसा रास्ता था, और जो है कविता को अपनी कविता गई थी हाई हील पहन के, डर डर के गई कविता गई हाई हील पहन के,
और पंजाब से भी थी दो तीन लड़कियां आ रखी, वो भी गई थी हाई हील पहन के। हम लोगों को तो पता था, हम तो फ्लैट पहन के गए थे, इन्होंने अपनी चप्पलें ऐसी पकड़ी हुई थी हाथ में, और इस वजह से जो है। पर चल कम से कम तूने देख तो लिया पहाड़ है ना, कितने दूर ले गई मैं तुझे बता। और कभी नहीं जाऊंगी। कविता के जान पहचान की सारी लड़कियां मैसेज कर रही कविता की, तू कहाँ गई, तू कहाँ गई, कहाँ गई। वैसे पहाड़ का व्यू बहुत अच्छा रहता है, बस पहाड़ में एक ही चीज करनी पड़ती कि हील पहन के नहीं जाना चाहिए, बस सिंपल चप्पल पहन के जाना चाहिए पहाड़ में, ऊपर से लहंगे वगैरह जीन्स टॉप पहन के जाना चाहिए बस। और बस बाकी यही है, बाकी धीरे धीरे डलवाएंगे आदत, फिर ले जाऊंगी इसे एक बार अपने साथ। और हम भी जो है भाई शादी की थकावट तो उतारते हैं, अब शादी की थकावट को इसको नहीं लगी, पता नहीं क्यों नहीं लगी इसे थकान। और बस इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। नानी भी चली गई, हमने सोचा था कि नानी को रखेंगे यहाँ पे 15-20 दिन तो रखेंगे ही, बट मेरी नानी कह के गई कि तब आएगी, बाद में फिर आएगी जब हमारी छुट्टियाँ पड़ेंगी, मतलब तब घूमने के लिए हो जाएगा। तो हमने कहा चलो भाई, चलो फिर कविता अब अपना काम करते हैं, हम लोग पार्लर का काम करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या करें, सब्सक्राइब करें और कविता को भी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, किस नाम से तेरी आईडी, नायरा से, ठीक है, मेरे फॉलोइंग में देख लेना अपना आप दिख जाएगी आप लोगों को। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।